Hey guys, welcome back. मैं जहाँ पे आज आया हुआ हूँ इसको इंडिया का, चलो इंडिया नहीं तो दिल्ली का मक्का माना जाता है. मक्का फॉर बॉडी बिल्डिंग. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में, जिसने पैदा हुए हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, वो इसी जिम से निकले हैं. और उस जिम का क्या नाम है? द जिम. द्रोणाचार्य द जिम. मुझे कई रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों से कि तरुण सर आप भूपेंद्र धवन जी से मिलो, आप मुकेश सिंह गहलोत जी से मिलो. ये बहुत पुराने इस इंडस्ट्री में और इन्होंने इतना नाम कमाया. सो गाइस, आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मुकेश भाई टू यू. सो वेलकम मुकेश भाई. अब मुकेश भाई को इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, बट पीपल जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, जो फिटनेस में है, कोई ऐसा टाइटल नहीं होगा इंडिया में जो इन्होंने नहीं जीता होगा. मिस्टर इंडिया कितनी बारी, वो मुझे इनको खुद भी शायद याद नहीं होगा उन्होंने कितनी बारी जीता होगा. मिस्टर एशिया, मिस्टर बॉडी बिल्डिंग, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियन. मेरे ख्याल से वर्ल्ड में एक या दो ही ऐसे होंगे जो बॉडी बिल्डिंग में भी चैम्पियन है और पावर लिफ्टिंग में भी चैम्पियन है, और उसमें हमारे मुकेश भाई एक हैं. सो मुकेश भाई, बिफोर आई बिगिन, वी रियली प्राउड ऑफ यू एज एन इंडियन. आपको देख के एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार, कि इसे कहते हैं ना कि एक अचीवर की, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे. तो मैं इनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था मुकेश भाई, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उन सबको ये बताएंगे कि उनकी जर्नी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, और आपके लिए इनो कि उनकी क्या डाइट होती है, आप कैसे स्टार्ट करें. बिकॉज एक सारे इनके, हमें वाई आर वी डूइंग दिस, हमें इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है. इन्होंने कैसे शुरू करा, इनके पास क्या मुश्किलात आई, इन्होंने उन मुश्किलातों पर कैसे काबू पाया और ये इस लेवल तक पहुँचे. आपको शायद इस लेवल पर पहुँचना है नहीं है, इट्स योर कॉल, बट मुकेश भाई हमसे ये सारी बातें आज शेयर करेंगे. सो मुकेश भाई, मुझे ये बताओ, ये स्टार्ट कैसे हुआ और आप और इतना आगे इस इंडस्ट्री में, मतलब आपने तो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में नाम रोशन कर दिया आपने तो. सबसे पहले तो थैंक यू तरुण जी, आपने मेरा इंटरव्यू करने का सोचा. मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में आने का तो मन था, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई में भी, एकेडमिक्स में भी अच्छा था, तो घर वालों ने मुझे स्पोर्ट्स से थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करी शुरू में. तो मैंने पढ़ाई भी की, फिर मैंने अपना स्कूलिंग करके मैंने इंजीनियरिंग भी की. इंजीनियरिंग? जी. इज एन इंजीनियर. कौन सी इंजीनियरिंग भाई? मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग भाई, ऑसम. उसके बाद मैंने 2 साल एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की. फिर लेकिन मेरा मैंने 94 में दिल्ली में एक कंपटीशन था, मिस्टर दिल्ली, उसमें मैं गया था देखने के लिए. वहाँ पे जो मेन तो विनर्स थे और जो ओवरऑल टाइटल भी जिसने जीता, वो बॉडी बिल्डर्स द जिम से बिलोंग करते थे. तो मैं क्योंकि तब तक जिम में इस लाइन में थोड़ा सा करने लगा था, इंटरेस्टेड भी था, लेकिन मुझे कोई कोच अच्छा नहीं मिला था तब तक. बस अपने आप से जो मेरे से होता था जो वर्जिश कर लेता था. तो जब मैंने देखा एक जिम है जहाँ पे इतने बॉडी बिल्डर्स हैं, तो मैंने उसके बारे में पता किया. मेरी ही एक कलीग जो मेरे साथ उधर वर्जिश भी करते थे कभी कभी, मुझे पता लगा वो जहाँ पे जाते हैं, बस अड्डे के पास जिम है द जिम के नाम से. तो उन्होंने बताया, श्री भूपेंद्र धवन जी जो मेरे गुरु हैं अब, वो वहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं. उनके साथ में 97 में मैं उनके साथ आया गुरुजी के पास. मैंने बताया जी मैं इस गेम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ. बस वो उस दिन से, और फिर उन्होंने मेरे को बोला आपको दिल्ली आना पड़ेगा. तब अपना व्हीकल नहीं था, मैं बस में ही आता था घर से. 2 बजे चलते थे हम, 4 बजे 4:30 बजे तक जिम पहुँचते थे और वर्जिश करके 2.5-3 घंटे जितना भी सर ट्रेनिंग कराते थे, वापिस 10-11 बजे तक उन्हें घर पहुँचते थे. उनकी ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक, बड़े डंडे भी पड़ते थे हमें, डंडे भी पड़ते. मैंने ये देखा जो गुरुजी के साथ रहते हैं ना लोग, वो कहते हैं ना वो हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है. जी जी. वो ऐसे निकाल देते हैं ना लोगों को वहाँ से. मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो गुरुजी के पास नहीं गया होगा, भूपेंद्र धवन जी के पास, जिसने इस इंडस्ट्री में अच्छा करा है, जो अच्छा करना चाहता है. वो कहते हैं ना इस राह से गुजरना ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. कई ऐसे भी हुए जो आए लेकिन वो उनकी मार को सहन नहीं कर सके, उनको समझ नहीं सके, छोड़ के चले गए, तो वो फिर वहीं हैं. जो रुके रहे वो आगे बढ़ गए. गाइस, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर द जिम में आपको एसी नहीं मिलेगा, बहुत हार्डकोर जिम है. और मैं गुरुजी से भी मिले हैं, भूपेंद्र धवन जी से मिले, वो इंटरव्यू मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, प्रॉब्ली थोड़े दिनों में अपलोड करूंगा वो, उनका पर्सपेक्टिव नज़रिए के मामले में. तो लेकिन मुझे एक बात बताओ मुकेश भाई, आप तो इसमें इंटरेस्टेड थे, तो कैसे इसको नेक्स्ट लेवल, मतलब आपके शुरू से ये था कि यार मुझे इस इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना है?
नहीं, असल में मैं सही बताऊं, मैं सर के पास जब आया था तो मैं ये सोच के आया था कि मैं अगर 2 साल के अंदर मिस्टर दिल्ली में मैं बेस्ट 5 में आ जाऊंगा तो मुझे लगता है मैं फिर इस लाइन में चल जाऊंगा। लेकिन वो उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, वो गाइड इतना अच्छे तरीके से करते हैं। मैं पहले 6 महीने में ही दिल्ली में भी मेरा मेडल लगाया, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चैम्पियन भी बना और पहले ही साल में इंडियन यूनिवर्सिटी में भी मेडल ले गया। तो कैसे, किस टाइप की ट्रेनिंग थी वो जो छः महीना मुझे बता रहे हो, कुछ बताओ लड़कों को कि कैसे कैसे ट्रेन करा आपने? वो तब उन दिनों में सर 3:30 बजे जिम पहुंच जाते थे, हमारे पहुंचने से आधा घंटा पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते थे कि मैंने आज बच्चों को ये ट्रेनिंग करानी है। 4 बजे वो हमारे साथ खड़े हो जाते थे, वो चेयर पर रेयर ही बैठते थे 4 बजे से ले कर और 5, 6, 7 भी बज जाते थे। कभी जैसे आज चेस्ट का वर्कआउट करना था, खाली डीप सी इतने लगवा दिए, डंडे मार मार के, जिस जो अच्छी ट्रेनिंग करता था उसको ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा, तो आपको ज़्यादा पढ़े डंडे? उनको लगता था कि ये इसमें और पोटेंशियल है, ये और अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा। तो वो जितना मारते थे फिर उतना प्यार भी करते थे, हमें डाइट भी बना के खिला देते थे। हमारा जैसे किसी ने बोल दिया मेरा तो हेडेक हो गया, सर दर्द हो गया ट्रेनिंग करते करते, तो उसका सर भी मसाज कर दिया, प्यार भी उतना ही करते थे जितना मारते थे। तो मुकेश भाई, उस टाइम की डाइट में जी जो गुरुजी देते थे और जो आप उनके साथ थे, 90s की बात है जी, और अब की डाइट में, आपकी डाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा या ऑलमोस्ट वही चीज़ है लेकिन आपने कोई चीज़ें ऐड करी है? हाँ देखो, तब हमारी शुरुआत थी, अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ गए हैं, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से वो डाइट ठीक थी। आप इनिशियल स्टेज पर सप्लीमेंट्स का बहुत रोल नहीं है, आपको जितना नेचुरल डाइट पे कर सकते हैं, आप जितना अपना नेचुरल पोटेंशियल निकाल सकते हैं तभी आप उतना ही लंबा जाएंगे गेम में। तो आपने पहला सप्लीमेंट मुकेश भाई कब लिया, मतलब कितने सालों बाद जब आपने ट्रेनिंग शुरू करी? क्योंकि 90s में तो मुझे याद है सप्लीमेंट को एक तरीके से स्टेरॉइड माना जाता था, कोई ज़्यादा वे प्रोटीन की भी बातें नहीं करता था, क्रिएटिन की बातें, ये मिसकंसेप्शन भी लोगों के मन में कि ये तो खासकर देहात में पाउडर खाता है। बिल्कुल, चूरन, मेरे को चूरन बोलते थे कि चूरन खाता है। तो मैंने, मुझे याद है 2.5-3 साल बाद हमें सर ने एक अमीनो क्रिएटिन ये दिए थे, मेगा प्रो एक कंपनी होती थी, तो उसके प्रोडक्ट हमने, कभी किसी का पास पैसे हैं उसकी जेब में या नहीं भी है तो सर अपनी तरफ से सारा लगा देते थे, जैसे उसको ज़रूरत है तो कोई प्रोटीन ले लिया। लेकिन उससे पहले 2.5-3 साल वो हमें यही बोलते थे, चलो केले चीकू का शेक बनाओ, उसमें कॉम्प्लान डालो 2-3 चम्मच और ट्रेनिंग करके वो पियो, दिन में 2 बार पियो उसको, और जैसे पहले दही आलू खाओ, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आप अच्छी ट्रेनिंग करोगे, दिन में चावल खाओ। क्या बात है मुकेश भाई, मतलब दूध, केले, चीकू शेक, कॉम्प्लान, आलू, हमारी डाइट, और इसी में हम चैम्पियन भी बने, स्टेट में भी, यूनिवर्सिटी में भी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी, नेशनल में भी, इंटर स्टेट हमारा मेडल आया इसी डाइट पर। मेहनत थी ना भाई? जी जी। और हम तो अब देखो, अब हमारे पास सब कुछ है गाइस, मतलब हमारे पास, और हम यही कंफ्यूजन रहता है लड़कों की, कहाँ से शुरू करें, कौन सा सप्लीमेंट लें, कौन सी डाइट लें, कौन सी डाइट फॉलो करें। आप देख रहे हो, अगर जिसने करना है, अगर हमने करना है तो दूध, चीकू, केले, कॉम्प्लान खा के भी उन्होंने वो रिजल्ट निकाल लेने हैं बॉडी। जी जी हाँ, प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन, काले चने, मूंग, जो सर हमें बताते हैं शुरू से ही, अंडे खा लिए, थोड़ा चिकन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब डाइट चलते थे। तो एक मुझे बात बताओ मुकेश भाई, तो तब आपका वेट कितना था जब आपने शुरू किया था? मैं जब शुरू में सर के पास आया मेरा वेट था 72 kg। 72, और अब कितना है? अब मेरा 115 kg। 115 kg, और भाई ही इज़ 115 kg ऑफ प्योर मसल मास। आपने देखा होगा इंट्रो में जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ भाई, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ आपसे, जो काफ़ी बच्चे भी जानना चाहेंगे आपसे, कि आप ऐसी 70 से 115 आने में नेचुरल तो बहुत कम रहोगा, इसमें नेचुरल तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट ही ऐसी है कि यहाँ पे नेचुरल रहना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कब ऐसा शुरू सोचा कि यार अब मुझे अब कम्पीट करना है, मुझे लगता नहीं कि मैं नेचुरली कुछ कर सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, कभी आपके दिमाग में बात आई ऐसी? और अब आई तो कब आई? देखिए, एक तो अगर नेचुरल की आप बात करें तो सभी नेचुरल भी हैं और कोई भी नेचुरल नहीं है। ये बात भी है, आपको पता ही है, जैसे जैसे गेम की डिमांड बढ़ती है, आप जिस कम्पिटिटिव लेवल पर जाते हैं तो आपको अपनी डाइट पे, अपने सप्लीमेंटेशन पे, हर चीज़ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। आप कैसे, आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में आए,
कितना आप हार्ड वर्क करते हैं, कितना प्रोटीन इंटेक करना है, किस सप्लीमेंट से आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, कैसे आपका मसल टिश्यू सिंथेसाइज होगा प्रोटीन से, आपको हर चीज़ के लिए जाना पड़ेगा। तो नेचुरल रहना कंपटीशन इतना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर जी नेचुरली कम्पीट कर सकते हैं आजकल के टाइम में मुकेश भाई? एक तो टाइम इतना नहीं देते बच्चे। आप किसी बच्चे को बोलोगे कि ट्रेनिंग शुरू करो, वो दो महीने में ही आपके पास आ जाता है, हाँ जी कुछ हो नहीं रहा है मुझे, सामान डालो ऐसे ही कुछ बोलते क्या करें आप? हाँ ये तो ऐसा खेल तो है नहीं, दो महीने में कहीं आपने बाहर से कुछ सामान लाके बॉडी में चिपका दिया। ह्यूमन बॉडी है, धीरे 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 ग्रोथ करेगी। तो जो शॉर्टकट्स के चक्कर में है वो फिर इलीगल चीज़ों पर भी जाते हैं। और दूसरा आपका कंपटीशन लेवल है, आप किस लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जितना आप नेचुरल पोटेंशियल अपना पहले यूज़ करोगे उतनी वो आपकी बॉडी जल्दी ग्रोथ करेगी बाद में। समझ गया। तो नेचुरली जितना आप अपनी बॉडी को खींच सकते हो खींचो। बिल्कुल। और एक मुझे जैसे मैं मिस्टर ओलंपिया भी देखता हूँ, आप कहने को मिस्टर ओलंपिया में भी कई ऐसे एथलीट्स जो अपने आप को नेचुरल कहते हैं, बड़ी हंसी आती है मुझे देख के भी। मुकेश भाई जो सवाल सारे जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होगी जिस दिन मैं आपको या किसी को भी, या वसीम को या फिर संग्राम को, सुहास को, इन सबको मैं मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे देखूंगा, और मैं उस दिन की बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और आपको ऐसा क्या लगता है कि हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, मिस्टर ओलंपिया पे नहीं पहुँच पा रहे, क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, हमें ऐसा क्या करना होगा? क्या हम कम कर रहे हैं जो वो करते हैं? नहीं, पोटेंशियल कम नहीं है, लेकिन आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए डाइट भी चाहिए, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, तो इसके लिए आपको काम भी करना है। आपके गेम से पैसा नहीं आ रहा, गेम अपने आप पैशन के लिए कर रहे हैं, गेम से पैसा नहीं मिल रहा आपको। और इस गेम में खास तौर से एक तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो गया, फेडरेशन बहुत हो गई हैं, दूसरा सरकार से हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है। तो आपको 8-10 घंटे जॉब भी करनी है, उसमें आपकी डाइट भी सफ़र करती है। तो सिर्फ आप मेरे से मतलब ये मत सोचो कि सिर्फ इलीगल चीज़ों से ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप जितना मर्जी इलीगल चीज़ यूज़ करो, जब तक आपका ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, वो उसको पकड़ना मुश्किल है। आपका डाइट, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी कोचिंग सबसे ऊपर है, आपको अच्छी कोचिंग भी मिले। तो आपको लगता है हम वहाँ मिस कर रहे हैं कुछ भाई, मतलब कोचिंग में या फाइनेंशियल में? तो मैं समझता हूँ कि हाँ, कि जो बॉडी बिल्डर इंडिया से बॉडी बिल्डर निकलते हैं वो बहुत छोटे शहरों से निकलते हैं, क्योंकि उससे निकलते मेहनती बहुत होते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, चाहे आपको क्रिकेटर्स ही ले लो, चाहे कोई भी ले लो। कोचिंग के मामले में, इन्फॉर्मेशन के मामले में, चलो आप तो लकी रहे आपको भूपेंद्र धवन जी मिल गए, लेकिन अगर आप और लड़कों को देखो जिस तरीके की वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके पे वो स्टेज पे चढ़ते हैं, जिस तरीके की उनकी बॉडी होती है, पानी छोड़ा होता है और किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं है, लोग, और मैंने तो कई ऐसे भी देखे हैं फेंट हो जाते हैं, मर रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको कि ये कैसे हम इन्फॉर्मेशन? और काफ़ी बॉडी बिल्डर्स वो एक ये बिजनेस भी हो गया है, फॉरेन के कई जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस लाइन में इंडिया में पैसा तलाश रहे हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। अब उनको यहाँ के सर्कमस्टांसेस नहीं पता, यहाँ कैसी डाइट हम लोग लेते हैं, कितना हमें रेस्ट मिलता है, वो अपने हिसाब से उनको वो शेड्यूल देते हैं। फिर भी मैं देखता हूँ वो बच्चे साल दो साल पैसा खर्च करके कोचिंग लेते हैं, फिर भी वही रहते हैं। जो उनके यहाँ पे अपने कोचेज हैं उनको पता है किन सर्कमस्टांसेज में गेम कर रहा है, क्या इनके फैमिली के हालात हैं, वो उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको गाइड भी करेंगे क्या डाइट लेना है। वो थोड़ा सा ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, ये भी लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, और हम फॉरेन कोचेस के पीछे भाग रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कोचिंग, वो भी ऑनलाइन कोचिंग, या तो आप उसके सामने ही कर रहे हैं तब बात अलग है। और वो फिर, और उन्हें पता नहीं उनको पैसा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बस गोरी चमड़ी देखी नहीं, पीछे लग गए, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो मुकेश भाई ने करा। तो भाई अब बात करते हैं आपकी सप्लीमेंटेशन की और आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की। इंडिया में अगर किसी को प्रो बॉडी बिल्डर बनना है तो मैं हर एक प्रो बॉडी बिल्डर से एक सवाल करता हूँ कि ये मेरे पास जैसे 3 महीने या 6 महीने, तो एक तैयारी करने में क्या कितना खर्चा आ जाता है एक प्रो बॉडी बिल्डर को? जैसे मैं आपके पास आया कि मुकेश भाई मुझे तैयार होना है मिस्टर इंडिया मिस्टर दिल्ली के लिए, तो मेरे पास 4 महीने, तो मुझे कितने पैसे खर्चने होंगे उस तैयारी को करने? आप शुरुआत करते हैं स्टेट लेवल पे के लिए या नेशनल लेवल के लिए, तो आपको जैसे आपकी बॉडी में जितना मसल मास है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट चाहिए। अभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 8-10 हज़ार महीने का आप अच्छा गेम कर सकते हैं स्टेट लेवल पे। फिर जैसे जैसे आप एडवांस करेंगे आपका मसल मास बढ़ेगा,
आपकी नीड्स भी बढ़ती जाएंगी बॉडी की, आपको ज़्यादा प्रोटीन भी चाहिए, ज़्यादा आपको विटामिन भी चाहिए, सप्लीमेंटेशन भी ऐड करना पड़ेगा, रिकवरी फास्ट। आप दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं, आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी होना चाहिए। सुबह आपने ट्रेनिंग की, शाम की ट्रेनिंग के लिए बॉडी को जल्दी रेडी करना है तो रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, बार बार डाइट इंटेक करनी पड़ेगी। तो ये आपका शुरू में जो 8-10 हज़ार था, ये 15-20-22-25 हज़ार तक भी चला जाता है महीने का। मैंने देखे बॉडी बिल्डर्स भाई जो 1-1 लाख रुपये उनका खर्चा आ जाता है एक प्रेपरेशन का, क्योंकि उनकी इतनी चीज़ें डलनी शुरू हो जाती हैं, पेप्टाइड्स हो गए, साइकिल्स, आपको पता ही है जिस तरीके की सोचते हैं ये। तो देखो वो फिर अननेसेसरी करते हैं, वो सोचते हैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ, ये भी ट्राई कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। बॉडी की नीड होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके ऊपर आप जितना मर्जी डाइट या कोई भी चीज़ ऐड करते जाओ वो उसने कुछ काम नहीं करना है। आपकी बॉडी की नीड कितनी है, आपका मसल मास कितना है, आप 70 kg के बॉडी बिल्डर हैं, आप फिर इतनी डाइट को फॉलो करेंगे या उसने जो लिया वो आप सोचते मैं भी ये ट्राई करूँ, वो आप पे काम नहीं करेगा, आपका मसल मास इतना नहीं है। वेरी गुड पॉइंट गाइस, जो आपको हमें नोट करनी है चीज़, हम सबको नोट करनी है कि हम क्या करते हैं ना कि किसी के बारे में पढ़ लिया, फिल हीथ फुल डे मील जो आता है आजकल यूट्यूब पे देखते लोग, अरे मैं भी ये करूँगा। हमें ये नहीं पता कि उसको उस डाइट तक पहुँचने के लिए कितने साल लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, खाने की क्षमता भी होती है। स्टार्टिंग में वो ये डाइट लेता था, बिल्कुल नहीं ले सकता, हम सोचते हैं कि यार हम भी करेंगे। तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, या तो उल्टियां कर देंगे या पेट खराब हो जाएगा या सिस्टम खराब हो जाएगा। वो ये फर्स्ट क्लास में आपने 10th क्लास की बुक दे दी बच्चे को, लो जी पढ़ो। एग्जैक्टली, यही बात बहुत बहुत ज़रूरी है। तो भाई मुझे एक बात बताओ मुकेश भाई, जो सब बच्चों का एक ड्रीम होता है सिक्स पैक, जी आपको पता है आजकल तो कहते हैं उसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है कि हर एक को सिक्स पैक चाहिए, बॉडी तो कोई लेना देना नहीं है, सिक्स पैक। आपको लगता है सिक्स पैक नेचुरली चिजल्ड सिक्स पैक अचीव किया जा सकता है? बिल्कुल, आपको 100%। कौन से ऐसे सप्लीमेंट जो आपको लगता है बच्चों को हेल्प करेंगे डाइट के साथ साथ, जो उस को हेल्प करें सिक्स पैक लाने के लिए? हाँ, एक तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, बच्चे जैसे मेरे पास भी नए नए बच्चे आते हैं तो वो सबसे पहले, सर मुझे तो मस्कुलर होना, मुझे सिक्स पैक निकालने, बताओ क्या लेना, क्या सप्लीमेंट। फिर मुझसे डाइट पूछता हूँ, क्या डाइट लेते हो भाई? जी सुबह मैं वो पराठे खा लेता हूँ, दोपहर में थोड़ा चावल खा लिया, सब्जी खा ली थोड़ा, ये ऐसे मतलब उनकी डाइट इतनी वीक होती है। तो मैं सबसे पहले 2-3 महीने 4 महीने उसकी डाइट पे काम करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग पे काम करता हूँ। हमारे सर भी ऐसे हमें ले गया है शुरू स्टार्टिंग से, जब उसकी डाइट और उसकी ट्रेनिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप वो अपनी ट्रेनिंग में मसल टिश्यू को ब्रेक कर लेता है, तब उसको रिकवरी के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो बीच में आप कह रहे हो कि शुरू के 3-4 महीने किसी को कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसको पहले अच्छी स्ट्रॉन्ग उसी डाइट को ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, पहले ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। ट्रेनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है तो उसका ट्रेनिंग पोटेंशियल, आपको ट्रेनिंग जो कराएंगे उसी से बढ़ेगा। वो 10 रैप निकालता उससे 12 निकालने की कोशिश करेंगे, वो आज 50 किलो उठाता है उससे 55 किलो, नेक्स्ट ट्रेनिंग में 60 किलो करेंगे, उसका ट्रेनिंग पोटेंशियल जैसे जैसे आप उसको लोड डालते जाएंगे बढ़ता जाएगा। और आजकल के बच्चे क्या करें, उल्टा कर रहे हैं कि मेरे 10 रैप में मुझे 12 बढ़ाने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लूँ, 10-15 बढ़ाने के लिए क्या लूँ मैं, ये डाल दूँ वो डाल दूँ, वो इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाते। आपके पास कई बच्चे ऐसे आते होंगे कि सर मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए? मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, मुझे गोवा जाना है, 2 महीने आप मेरी बॉडी बना। हाँ हाँ, ऐसे मेरी शादी है जी, मेरे भाई का बर्थडे है, मेरी बहन की शादी है, मुझे थोड़ा सा बॉडी बनानी है। भाई बनानी है, लेकिन ये 2 महीने का गेम नहीं है। और फिर ये टारगेट मत रहो कि मुझे 2 महीने में बनानी है, ये तो लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हमेशा मुझे फिट रहना है। आप 12 महीने ऐसे रहते हो मुकेश भाई? अब मैं 12 महीने मैं ट्रेनिंग छोड़ता नहीं कभी ना, मैं अपनी डाइट से कंप्रोमाइज़ करता हूँ। आपकी आपकी जो टिपिकल डाइट है, हाँ, दिन की जो आपकी खुराक है, मतलब क्या होती है, मतलब जो आप दिन शुरू करते हो क्या, किससे खाना स्टार्ट करते हो? सुबह 6 बजे से मेरी पहली मील शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है उस टाइम बॉयल्ड एग्स, 6-8-10 जितना मेरी इच्छा होती है। नमक डालते हो उसके अपनी ऐसे? हाँ नमक डालते हैं। अच्छा, थोड़ा ओट मैं बॉयल कर लेता हूँ, ओट्स भी इसके साथ। हाँ, उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट ऐड कर लिया, ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया। अच्छा, ये मेरी पहली मील हो जाती है। उसके बाद वर्कआउट करते हो? उसके बाद वर्कआउट से पहले मैं आलू और दही, वो पुराना जो चलता आ रहा है, बिल्कुल वो मैंने ब्रेक नहीं किया, वो आपने आज तक नहीं छोड़ा है। अच्छा, फिर ट्रेनिंग के बाद अपना अभी प्रोटीन शेक ले लेते हैं, उसमें साथ में 2 केले कार्बोहाइड्रेट के लिए, ताकि रिकवरी हो जाए। ट्रेनिंग के बीच में बीचे वगैरह हम यूज कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग आप 2 टाइम करते हो, 1 टाइम करते हो? ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन डेज में 2 टाइम हो जाती है, और ऑफ सीजन में 1 टाइम, 2-2.5 घंटे में ट्रेनिंग हो जाती है हमारी। तो जो हमारे बच्चे हैं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे मुकेश भाई, कि अगर इनको आपके जैसा बनना है या इनको अच्छी बॉडी चाहिए, इनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिनसे सब कुछ
आसान हो जाए इनके लिए, क्योंकि हम जितना हाँ। और जितना पढ़ते हैं गूगल ने थिंक मुश्किलें कर दी हमारे लिए। सबसे पहली बात तो अपने कोच पे ट्रस्ट करना पड़ेगा उसको, अगर वो उनसे आगे चलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आजकल तो सारे कोच है ना गूगल है आपके पास। हाँ, पर ये कोच कुछ बताएगा आपने गूगल करना, अरे भाई उन्होंने कैसे बताया, उसमें कन्फ्यूजन कितना, ये देखो हर आदमी का अपना भी होता है उसमें, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 10 आदमी को रीड करोगे आप, इसने ये कहा उसने वो कहा, आप तो फिर आपको एक उसको सेट करने के लिए आपको कोच की जरूरत पड़ती है, तो कोच पे आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। कोच हो गया बस ये आपने देखना कि कोच क्वालिफाइड हो आपका, तो उस पर बिलीव करना ही पड़ेगा। फिर वो एक तो देखो आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आपका जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है डाइट है वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगी। बॉडी तो आपकी सोच के अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। आप श्योर हैं कि मेरे को तो सर ने ये बता दिया बस यही मेरे पे काम करेगा, तो वो जैसे ज़्यादा काम करेंगे। तो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग और डाइट वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है, फिर कोई सप्लीमेंट या जो भी उन्होंने ऐड करना उसके बाद। तो आपको ऐसे ऐसे कौन से 3 सप्लीमेंट लगते हैं जो बहुत हेल्प करे हैं आपको और सबको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये कई ऐसे सप्लीमेंट होते हैं ना जो नाम के होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, जो आपको जिसने हेल्प करी हो 3 सप्लीमेंट ऐसे कौन कौन से? ग्लूटामाइन, BCA एंड क्रिएटिन, ये 3 बेसिक सप्लीमेंट। अच्छा, ग्लूटामाइन आपके प्रोटीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BCA ग्लूटामाइन और क्रिएटिन आपकी मसल को स्ट्रेंथ देता है। और ग्लूटामाइन कब लेते हैं, सोने से पहले? ग्लूटामाइन मैं मेरी ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होगी तो ट्रेनिंग के बाद भी ले लेता हूँ, नहीं तो सोने से पहले 1 घंटा पहले। और BCAA इंट्रा वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट भी या फिर बिफोर वर्कआउट भी ले लेता हूँ। और क्रिएटिन पहले ट्रेनिंग के बाद लेता हूँ। तो ये इनके 3 फेवरेट सप्लीमेंट हैं। तो और तो आपने जैसे बोला मुकेश भाई ने कि अगर आपको भी अच्छी बॉडी करनी है तो आपको सबसे पहले तो एक अच्छा कोच होना ज़रूरी है, उस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, बिल्कुल, और अच्छी डाइट करनी ज़रूरी है, और अपनी नेचुरली आप जितना अपनी बॉडी से निकाल सको निकालो, उसके बाद सप्लीमेंट की, उसके बाद कोई और चीज़ आपने उसका सोचना है। अब इसको हम जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लें जी गूगल पे पढ़ के, या इसको जितना मर्जी सिंपल, तो आपकी नज़र में सब कुछ सिंपल है, और वैसे है भी है सिंपल अगर देखा जाए तो। कॉम्प्लिकेट हम कर लेते हैं उतना है नहीं, कि कौन सी डाइट फॉलो करें, उसने क्या करा, उसने ये करा, उसने ये करा, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच मुकेश भाई, हमें आपने इतनी सिंप्लीफाइड छोटी सी शब्दों में बातें बता दी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था। सो मैं आपको ऐसे और लोगों से मिलाता रहूँगा मुकेश भाई। बाय द वे मुकेश भाई इज़ 44 ईयर्स ओल्ड और इनका एक लड़का फाइनल ईयर में, 3rd ईयर में है, और एट 44 ही सुपर फिट। भाई मोटिवेशन क्या है बिफोर यू, आपकी मोटिवेशन क्या लाइफ में? मेरा एक ही टारगेट होता है, मैं लॉन्ग टर्म टारगेट सेट नहीं करता, मुझे वो कंपटीशन जीतना, मुझे वो करना, कि मुझे आज मैं जिम में, मुझे अपना बेस्ट वर्कआउट आज करना है, आज के लिए जीते ये आप। बस यही मेरा टारगेट होता है आज के लिए जीते, कि आज का वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच मुकेश भाई अगेन, एज ऑलवेज से अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज़।